अजीत है, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। बिहार में जहरीली शराब से तांडव मचा हुआ है, चारों तरफ चित्कार मचा हुआ। बिहार के सिवान, छपरा और सारण में जहरीली शराब से जो है 28 से अधिक मौत हो गई है। हालांकि जहरीली शराब के मौत के बाद से नीतीश कुमार की सरकार जो है एक बार फिर से पूर्ण शराबबंदी इनकी जो है वो सवालों के कटघरे में खड़ा है। लगातार नीतीश कुमार की शराबबंदी नीति जो है सवालों के घेरे में रहे, लगातार विपक्ष इस पर निशाना बनाता रहा। हालांकि एनडीए के घटक दल जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, ये भी शराबबंदी पे जो है कई बार सवाल उठाए हैं। हालांकि अब एक बार फिर से बिहार में जो है जहरीली शराब पीने से कई मौत हुई है। हालांकि आए दिन जो है जहरीली शराब पीने से जो है बिहार में मौत होते रहती है, और नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना में से एक शराबबंदी जो योजना है इस पे लगातार बिहार में सवाल उठता है। विपक्ष लगातार इसे गलत ठहराते आया है, लेकिन फिर कहा जा रहा है कि बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब तांडव मचाया है और 28 से अधिक जाने चली गई है। अब यह कहने, हालांकि नीतीश कुमार की शराबबंदी यानी पूर्ण शराबबंदी को यह कहने में गुरेज नहीं है कि जब तक शराबबंदी की आड़ में सत्ता संपोषित जहरीली शराब का कारोबार चलता रहेगा तब तक इस पर अंकुश लगाना असंभव ही रहेगा। बिहार के छपरा और सिवान में जहरीली शराब पीने की वजह से 28 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर एक तरह से सुशासन की सरकार पर जो है दाग लगा दिया है। आए दिन नीतीश कुमार जो है पूर्ण शराबबंदी की बात करते हैं, लेकिन विपक्ष इसे गलत नीतियों के तहत जो है शराबबंदी नीति को ठहराता है, यानी विपक्ष जो है लगातार शराबबंदी नीति को गलत ठहराया है और आए दिन नीतीश कुमार की शराबबंदी जो है सवालों के घेरे में रही है। हालांकि पुलिस सूत्रों की माने तो सिवान में जहरीली शराब से 20 लोगों और छपरा में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। छपरा और सिवान में कई गंभीर मरीज जो है उन्हें पटना के मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है। पटना मेडिकल कॉलेज में जितने लोग रेफर किया गया है उनमें से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। वैसे कभी भी मौत की संख्या में बढ़ोतरी की खबर आ सकती है, ऐसा इसलिए कि अभी भी जहरीली शराब पीने की वजह से कई लोगों को है जान जाने की खतरा बना हुआ है, कई लोगों की आंख की रोशनी चली गई है। हैरतअंगेज की बात यह है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, उसके बावजूद बिहार में आए दिन जो है शराब पकड़े जाते हैं, शराब तस्कर पकड़े जाते हैं। हालांकि नीतीश कुमार इस पर अंकुश लगाने के लिए कई बार जो है समीक्षा बैठक करते हैं, ड्रोन से निगरानी करने की बात करते हैं, इस शराबबंदी को जो पर जो है सर्वे किया जाता है। बिहार के पुलिस प्रशासन को जो है मुस्तैद रहने को कहा जाता है, पुलिस प्रशासन भी जो है आए दिन बिहार में शराब तस्कर को पकड़ती है और जेल भेजती है। हालांकि बिहार में जो है 12 कहा जा रहा है कि 10 लाख से अधिक लोग जो है शराबबंदी के तहत जेल में हैं और 250 से अधिक लोग जो है उनकी मौत हो गई है। 1 अप्रैल 2016 को बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू हुआ था, इसके बाद से बिहार में आए दिन शराबबंदी पर जो है लगातार सवाल उठते हैं और लगातार बिहार में जो है शराब जो है शराब तस्कर और शराब की खेप पकड़ाते जाती है। और एक बार फिर से बिहार में जो है शराब से कई मौत हुई है, जिससे बिहार में कोहराम मच गया है। दरअसल नेता पुलिस शराब माफिया के गठजोर होने का आरोप तब लगते रहते हैं जब जब जहरीली शराब पीने से मौत होती है, मगर यह आरोप जो है बेवजह भी नहीं लगते हैं। आइए इन आरोपों का आधार भी हम आपको बताएंगे। सितंबर में जदयू के एक नेता अपने 3 अन्य सहयोगी के साथ शराब की तस्करी करते पकड़े गए थे। हद तो यह हो गई कि जब जदयू नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जिले के ही हैं, वह अभी बिहार शरीफ के नगर थाना क्षेत्र के अंबेर चौक स्थित एक निजी स्कूल में जाम छलका रहे थे। जदयू प्रखंड अध्यक्ष सीताराम प्रसाद तस्कर सहित 14 लोगों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने वहां से 292.32 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त किया था। पुलिस ने इन दोनों के पास से करीब 2,88,000 रुपये नगद और ताश के पत्ते, मोबाइल और बाइक बरामद किए थे। खगड़िया की बात करें तो खगड़िया में ही कुछ दिन पहले जो है गोगरी प्रखंड के जदयू अध्यक्ष मायाराम शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया था। थाने में मामला दर्ज हुआ, कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल हुआ। मुजफ्फरपुर की बात करें तो शराब तस्कर के मामले में कुछ साल पहले मुजफ्फरपुर के रहने वाले जदयू के प्रदेश महासचिव विजय सिंह पटेल को स्प्रीट की तस्करी करते पकड़ा गया था। इन्हें पलामू की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। यह दीगर की बाद में जनता दल यू से सफाई आई कि इसका नाम का कोई पदाधिकारी नहीं है। आईजे रैंक के गाड़ी से तस्कर से हालांकि शराबबंदी शराब तस्कर किया जाता है और बिहार में आए दिन जो है शराब तस्कर को पकड़ा जाता है, उस पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन फिर भी बिहार में जो है पूर्ण शराबबंदी पे लगातार सवाल उठते आ रहे हैं। और इस बार तो हद हो गई कि बिहार के कई जिले में जो जहरीली शराब से एक साथ कई मौत हुई है, जो लोग घायल हैं उन्हें यानी आँख की रोशनी चली गई है और जो लोग हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि मौत की संख्या भी और भी बढ़ सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही।